सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2। हम लोग ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे थे इस चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर का नाम क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द टॉपिक पार्टनरशिप। ठीक है, जस्ट हमने अपना जो प्रीवियस वीडियो रहा था उसमें हमने डिस्कस किया था टॉपिक पार्टनरशिप। आज हम लोग उस टॉपिक पार्टनरशिप के बारे में हमने डेफिनेशन सीखा था, उसका फीचर्स के बारे में जाना था। आज हम लोग क्या करेंगे, उसका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को फटाफट इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? जहां पे भी कम से कम दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके जॉइंटली बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग एंड शेयरिंग प्रॉफिट, देन सच बिजनेस इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप बिजनेस। क्या होता है पार्टनरशिप बिजनेस? पार्टनरशिप बिजनेस द बिजनेस वेयर एटलीस्ट टू और मोर देन टू पर्संस जॉइंटली, ठीक है, कमिंग टुगेदर जॉइंटली कंडक्ट अ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर? दे आर कंडक्टिंग अ बिजनेस एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग and sharing profits, the object of earning and sharing profits, then such business is termed as partnership business. तो partnership के बारे में फटाफट हम उसका merits और demerits को cover कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं merits के बारे में पढ़ते हैं। merits of partnership form, partnership business का merits क्या क्या होता है? पहला point लिखा है ease of formation and closure, मतलब बहुत easily हम लोग business को start कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ठीक है, बिजनेस को स्टार्टअप करना कोई बहुत लेंथी प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, हम लोग इजीली पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसको एंड भी क्लोज भी कर सकते हैं, जब मर्जी तब क्लोज कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बस पार्टनर्स में एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है। देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। सच एग्रीमेंट मे बी ओरल और इट मे बी रिटन। वो ओरल भी हो सकता है या फिर रिटन इन नेचर भी हो सकता है। पार्टनरशिप में के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही ईजी है, ईजी टू फॉर्मेशन। ठीक है, ईजी टू फॉर्म एंड क्लोजर इसका फर्स्ट मेरिट है। इट इज द फर्स्ट मेरिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। मेरिट्स मतलब एडवांटेज, जहां पे बिजनेस हम लोग बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, इजी टू फॉर्म एंड इजी टू क्लोज। ठीक है, इट इज वेरी इजी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस, मतलब स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस। ऑल यू नीड इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, क्या हम लोग को चाहिए, हम लोग क्या चीज का दरकार है? एग्रीमेंट का दरकार है। पार्टनर्स को बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। और ये पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है, easy of ease of formation and closure, it is very easy to form a partnership form. ek partnership form start karna bahut easy hai, only an agreement. kya cheez ka darkar hai? sirf aur sirf agreement ka darkar hai. theek hai, ek agreement hona chahiye among the partners is required to form it. ek business start karne ke liye, partnership business start karne ke liye agreement to hona padega. us agreement mein generally kya likha rehta hai excuse me, us agreement mein generally kya likha rehta hai, kaun kitna capital leke aaya hai, what is the rate of interest on the capital. ठीक है, what is the rate of interest on capital, मतलब partners ने जो capital provide किया है partnership firm, उस capital के ऊपर कितना interest pay करेगा partners को। ठीक है, partners को कितना salary मिलेगा, कितना bonus मिलेगा, मतलब सारा बात clear, ताकि आगे चल के कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। इसलिए partners लोग क्या करता है, आपस में एक agreement बना लेता है, कुछ कुछ बात पहले से ही प्री डिसाइड कर लेता है, प्री फिक्स कर लेता है एक एग्रीमेंट में। सो तो मेरिट्स में क्या सीख रहे हैं हम लोग, इजी टू फॉर्म एंड क्लोजर। पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही इजी है, बहुत ही कन्वीनियंट प्रोसेस है। ठीक है, इट इज वेरी इजी टू फॉर्म पार्टनरशिप बिजनेस एज वेल एज क्लोज इट। तो बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स में एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है। सच एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है या फिर रिटन भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन लिया जाता है ना पार्टनरशिप फॉर्म में, वो बहुत वेल बैलेंस वाइज होता है। ठीक है, बहुत सही डिसीजन होता है। क्यों ऐसा होता है, आप सोचो अगर आप अकेले में कोई डिसीजन लेंगे तो जनरली रॉन्ग हो सकता है, पर जब हम डिसीजन किसी से कंसल्ट करके लेंगे, किसी से सलाह मशवरा करके डिसीजन लेंगे, तो जनरली वो डिसीजन अच्छा होता है कंपेयर टू इंडिविजुअल डिसीजन। ठीक है, जनरली हम लोग इंडिविजुअली एज एन इंडिविजुअल जब अकेले में डिसीजन लेते हैं कोई भी चीज का, तो जनरली वो डिसीजन खराब भी तो हो सकता है, पर जनरली जब हम वो डिसीजन कोई भी चीज पे, कोई भी मैटर्स पे जब डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन हम आपस में पूछ के ले रहे हैं, ठीक है, आपस में डिस्कस करके ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली जनरल ज्यादा चांसेस है कि वो डिसीजन अच्छा रहे, वाइज रहे और उस पर पॉजिटिव इफेक्ट आए बिजनेस को। तो क्या लिखा हुआ है, इन पार्टनरशिप डिसीजंस आर टेकन जॉइंटली।
ठीक है, डिसीजन कैसे लेते हैं, कोई अकेला क्या पार्टनरशिप फॉर्म में डिसीजन ले सकता है? नहीं, कोई अकेला पार्टनर डिसीजन नहीं ले सकता है। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म में जो डिसीजन है, डिसीजंस आर टेकन जॉइंटली बाय द पार्टनर्स, सारा पार्टनर्स लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। किसी अकेले के बोलने पे क्या डिसीजन हो जाएगा? नहीं, सारा पार्टनर्स लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। इन इट मींस इन पार्टनरशिप फॉर्म द डिसीजंस आर टेकन बाय द पार्टनर्स जॉइंटली आफ्टर कंसल्टिंग, कंसल्ट करने के बाद, सलाह मशवरा करने के बाद। ठीक है, आफ्टर कंसल्टिंग मतलब आपस में डिस्कशन करने के बाद, आफ्टर कंसल्टिंग ईच अदर, दस वाइज एंड बैलेंस डिसीजंस आर लाइकली टू बी मेड। ठीक है, इसलिए क्या होगा, जो डिसीजन आएगा वो वाइज होगा, बैलेंस डिसीजन होगा, मतलब अच्छा डिसीजन आएगा जो बिजनेस फॉर्म के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। डिसीजन गलत होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है जब हम लोग पार्टनरशिप की कंटेक्ट में बात करें। द डिसीजंस व्हिच आर टेकन बाय द पार्टनर जॉइंटली आफ्टर कंसल्टेशन विद ईच अदर इज जनरली अ बैलेंस्ड एंड अ वाइज डिसीजन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है शेयरिंग ऑफ रिस्क। रिस्क को शेयर कर लेते हैं हम लोग। भाई देखो, पार्टनरशिप फॉर्म में जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हम लोग बांट लेते हैं ना आपस में, वैसे जब बिजनेस में लॉस होता है ना या कोई बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है तो एक अकेला अगर उस रिस्क को बियर करेगा, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जब कोई अकेला प्रोप्राइटर उस रिस्क को बियर करता है तो सच रिस्क इज बॉर्न इंडिविजुअली बाय सच प्रोप्राइटर। वो जो रिस्क है ना, वो रिस्क अकेला ले रहा है वो प्रोप्राइटर, तो उस केस में बर्डन ऑफ रिस्क पूरा प्रोप्राइटर के ऊपर है, इंडिविजुअल प्रोप्राइटर के ऊपर है। लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिस्क का शेयरिंग हो जाता है, थोड़ा बहुत रिस्क सबके ऊपर आ जाता है, जिससे एंग्जाइटी बर्डन, ठीक है, हमारे ऊपर जो बोझ है, बर्डन है, ठीक है, वो सब थोड़ा कम हो जाता है। वही पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इन पार्टनरशिप रिस्क गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विच रिड्यूसेस एंग्जाइटी। मतलब देखो, एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपसे नहीं हो रहा है तो आपके अंदर एक अजीब सा फीलिंग आता है कि ये चीज हमसे नहीं हो रहा है, आपको गुस्सा आता है, दैट इज एंग्जाइटी। ठीक है, दैट इज एंग्जाइटी। क्लियर? विच रिड्यूसेस एंग्जाइटी बर्डन एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब टेंशन, ठीक है, स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल पार्टनर्स। तो शेयरिंग ऑफ रिस्क क्या हो गया, ये वन ऑफ द मेरिट्स है पार्टनरशिप में, जहां पे जितना भी बिजनेस का रिस्क है ना वो पार्टनर्स में आपस में शेयर कर लिया जाता है। ठीक है, बिजनेस का जो भी रिस्क है वो पार्टनर्स में हम लोग आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। इन पार्टनरशिप रिस्क गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विच रिड्यूसेस द एंग्जाइटी, ठीक है, बर्डन एंड स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल पार्टनर्स। इंडिविजुअल पार्टनर्स के ऊपर अगर ये रिस्क पूरा का पूरा अगर एक पार्टनर के ऊपर आता तो ऑब्वियसली उसका एंग्जाइटी, उसका स्ट्रेस, उसका बर्डन बढ़ जाता। अगर रिस्क इसकी एक के ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली उसका टेंशन, बर्डन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी बढ़ जाएगा। वही रिस्क का जब शेयरिंग कर लेंगे तो बर्डन भी शेयर हो जाएगा, रिस्क भी शेयर हो जाएगा, स्ट्रेस भी शेयर हो जाएगा, एंग्जाइटी भी शेयर हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर हो जाएगा। क्लियर? शेयरिंग ऑफ रिस्क। नेक्स्ट आता है बिजनेस का सीक्रेसी। ठीक है, बिजनेस का देखो सीक्रेसी वेल मेंटेन रहता है पार्टनरशिप फॉर्म में। पार्टनरशिप फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस का जो सीक्रेसी है वो वेल मेंटेन है। किसी भी बिजनेस का ना सीक्रेसी रिवील नहीं होना चाहिए, सीक्रेट बातें रिवील नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप फॉर्म को कोई अपना एनुअल अकाउंट सबमिट नहीं करना पड़ता है पब्लिक के पास। पार्टनरशिप फॉर्म को अपना एनुअल अकाउंट मतलब पूरा साल में कितना इनकम था, कितना सेल्स हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, ये सब शो नहीं करना पड़ता है पब्लिक को। पार्टनरशिप अकाउंट्स को अपना अकाउंटिंग पब्लिक को पब्लिश करना, पब्लिक को रिपोर्ट करना ये जरूरी नहीं है, जिससे क्या होगा, जो बिजनेस का सीक्रेसी है, बिजनेस का जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो वेल मेंटेन रहेगा, पार्टनरशिप फॉर्म तक रहेगा। क्या लिखा हुआ है, द पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट अकाउंट्स। पार्टनरशिप फॉर्म को अपना अकाउंट्स को पब्लिश करना मतलब पब्लिक के पास दिखाना, पब्लिक को शो करना जरूरी नहीं है। ठीक है, वो लोग अपना अकाउंटिंग अपने तक रखेगा, पब्लिक को शो नहीं करेगा, ना ही कोई रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, एंड सबमिट इट रिपोर्ट्स। Thus the firm is able to maintain confidentiality. इससे क्या होगा, business का confidentiality maintain रहेगा, business का secrecy मतलब secrets reveal नहीं होगा, public तक कोई secret नहीं पहुंचेगा। Clear? Next क्या लिखा है, more funds. Obviously partnership firm अगर है, partnership business है, मतलब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर business कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ज्यादा capital investment भी होते जाएगा, और more the capital investment more will be the profit। जितना ज्यादा कैपिटल उतना प्रॉफिट हम लोग अर्न कर सकते हैं, तो ज्यादा फंड्स हम लोग अक्यूमुलेट कर सकते हैं, ज्यादा कैपिटल अक्यूमुलेट कर सकते हैं, ज्यादा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकता है अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो। मोर फंड्स भी क्या हो जाता है, एक एडवांटेज होता है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। क्या लिखा हुआ है, इट इज पॉसिबल टू रेज लार्जर अमाउंट ऑफ फंड्स, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स, ज्यादा कैपिटल कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल ज्यादा आ सकता है। क्लियर? बिकॉज
ऑब्वियसली यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं बिजनेस करने के लिए। सोल प्रोप्राइटर में सिर्फ एक ही आदमी था, सोल प्रोप्राइटर में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल बिजनेस करता है। पार्टनरशिप फॉर्म में कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैपिटल लाने का जो चांसेस है, जो अमाउंट है, वो लार्जर अमाउंट होगा। लार्जर अमाउंट ऑफ फंड्स थ्रू पार्टनरशिप एज ईच मेंबर कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल ऑफ द फर्म। क्योंकि हर मेंबर क्या होता है, जनरली हर मेंबर थोड़ा बहुत कैपिटल लेके ही आता है। सो दीज आर ऑल द मेरिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डीमेरिट्स और द डिसएडवांटेजेस। डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म और द डिसएडवांटेजेस, क्या लिखा हुआ है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप फॉर्म में जो लायबिलिटी है ना, वो अनलिमिटेड है। भाई किसका लायबिलिटी अनलिमिटेड है? पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड है। पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड है मतलब सपोज पार्टनरशिप फॉर्म ने, बिजनेस ने कोई लोन लिया था और पार्टनरशिप फॉर्म वो लोन नहीं चुका पाया, तो पार्टनर्स लोग का जो पर्सनल एसेट है, मतलब घर में जो टीवी है, फ्रिज है, वो सब भी बैंक कब्जा कर लेगा। क्लियर? अगर हम बिजनेस का लोन नहीं चुका पाएंगे तो मेरा बिजनेस एसेट तो जाएगा ही जाएगा, मेरा जो पर्सनल एसेट है घर पे टीवी फ्रिज अलमारी जो सब है, वो भी बैंक सीज कर लेगा। इसका मतलब बैंक अपना लोन का रिकवरी के लिए मेरा पर्सनल एसेट भी कब्जा कर सकता है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब हमारा लायबिलिटी का कोई लिमिट नहीं है, बिजनेस एसेट तो जाएगा ही, पर्सनल एसेट जो है ना वो भी चला जाएगा। क्लियर? अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। पार्टनर्स का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, एंड दे आर लायबल इंडिविजुअली एंड जॉइंटली। ठीक है, इंडिविजुअली भी वो लोग लायबल है, जॉइंटली भी लायबल है। सपोज ए बी सी डी चार पार्टनर था, ठीक है, और ए ने फॉर्म से लोन लिया था बिजनेस के बिहाफ में। बिजनेस के बिहाफ में ए ने फॉर्म से लोन, ए ने बैंक से लोन लिया था, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ए ने बैंक से लोन लिया था। बी और सी और डी ने नहीं लिया था, ए ने लिया था। तो क्योंकि ए ने बिजनेस के लिए लोन लिया था बैंक से, तो लोन सबको चुकाना पड़ेगा, अकेला ए को चुकाने का जिम्मेदारी नहीं है। इसका मतलब एक्ट डन बाई वन पार्टनर विल इन्फ्लुएंस ऑल अदर पार्टनर्स। कोई भी एक्ट जो एक पार्टनर करेगा ना, वो दूसरे को भी इन्फ्लुएंस करेगा और दूसरे के ऊपर भी इफेक्ट डालेगा। क्लियर? फिर क्या लिखा हुआ, लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो जो पॉइंट यहाँ पे हमारा मेरिट था, उसी पॉइंट को हमने यहाँ पे डीमेरिट बना दिया है। मोर फंड्स, ज्यादा फंड्स ला सकते हैं कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर एंड कंपेयर टू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसके बारे में हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी के कंपैरिजन में हम लोग कम फंड्स ला सकते हैं, रुपया पैसा ज्यादा नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि भाई देखो नंबर ऑफ पार्टनर्स में ना लिमिटेशन है, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पे लिमिटेशन है 50। कितना लिमिटेशन, मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स कितना है 50। तो बहुत ज्यादा ही फंड्स हम लोग एक्युमुलेट नहीं कर पाएंगे। देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो लिमिटेड है। क्लियर? देयरफॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो लिमिटेड। Therefore, the capital investment is also limited. Clear? इसलिए जो capital investment है वो limited होता है। फिर क्या लिखा है? Possibility of conflicts. Obviously, अगर सोचो आप लोग चार friends हैं, तो कभी ना कभी तो आप लोग में लड़ाई झगड़ा होता होगा। तो obviously यहाँ पे चार partner है, मतलब more than two partner है, पांच partner है, छह partner है, तो obviously conflict होने का, मतलब लड़ाई झगड़ा होने का, विवाद होने का, debate होने का chances भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट, ये वन ऑफ द डीमेरिट्स है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज विद ऑल द ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। पर जितना भी पार्टनर है सबके पास राइट है, राइट टू टेक डिसीजन। राइट, डिसीजन लेने का जो राइट है ना, वो सारे पार्टनर्स के पास है। क्लियर? किसी एक पार्टनर के पास होगा ऐसा नहीं है, डिसीजन लेने का जो राइट है वो सारे पार्टनर्स के पास है। देयर मे बी डिफरेंस इन ओपिनियन, हो ही सकता है कि किसी एक का कोई बोला हुआ बात दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है ना। हमारा ओपिनियन दूसरे साथ मैच नहीं भी हो सकता है, हमारा व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, दूसरे का व्यू पॉइंट अलग हो सकता है। तो जब हमारा व्यूज मैच नहीं होगा, ओपिनियन मैच नहीं होगा, तो ऑब्वियसली देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट, देयर विल बी लड़ाई झगड़ा। क्लियर? तो क्या लिखा है, देयर मे बी डिफरेंस इन ओपिनियंस ऑन सर्टेन इश्यूज व्हिच मे रिजल्ट इन डिस्प्यूट, जिसके कारण फ्यूचर में लड़ाई झगड़ा वाला बात, डिस्प्यूट वाला बात हो सकता है। क्लियर? लैक ऑफ कंटिन्यूटी। देखो पार्टनरशिप बिजनेस में जैसे ही किसी पार्टनर का डेथ हो जाए या सारा पार्टनर्स का डेथ हो जाए, तो पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगा। कोई पार्टनर रिटायर कर गया तो पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगा, नया पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ए बी सी वर पार्टनर्स, बी रिटायर कर गया, तो ए और सी को एक नया पार्टनरशिप फॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? ए और सी को एक नया पार्टनरशिप फॉर्म करना पड़ेगा।
इसका मतलब पार्टनर्स के डेथ हो जाने पे, पार्टनर्स के रिटायरमेंट ले लेने पे, पार्टनर्स के पागल हो जाने पे, पार्टनर्स के इंसॉल्वेंट हो जाने पे पार्टनरशिप फॉर्म का कंटिन्यूटी इफेक्ट हो जाता है और वो बंद हो जाता है, फिर नया पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करना पड़ता है। तो क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड विद द डेथ, डेथ के कारण, ठीक है, या तो चारों पार्टनर्स का डेथ हो गया, चार पार्टनर थे चारों का डेथ हो गया, तीन का डेथ हो गया, एक का डेथ हो गया, तो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं रहेगा, वो बंद हो जाएगा, नया पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करना पड़ेगा। पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड विद द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और लिगेसी ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स, दैट्स इट लैक्स कंटिन्यूटी। मतलब इसकी बिजनेस चलता जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लो चार पार्टनर थे, चारों सैटरडे नाइट को पार्टी वार्टी करके रिटर्न आ रहे थे घर, और अचानक चारों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो बस पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस खत्म। क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। भाई पब्लिक को ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता इन पार्टनरशिप फॉर्म में। रीजन, ये लोग अपना अकाउंट्स, अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिक को सबमिट नहीं करता है। तुम सोचो अगर कोई बिजनेस अपना अकाउंट्स, मतलब अपना सारा हिसाब किताब पब्लिक को शो करेगा, इतना सेल्स हुआ है, इतना हमारा एसेट है, इतना हमारा लोन है, तो ऑब्वियसली पब्लिक को कॉन्फिडेंस आएगा कि वो लोग हर चीज हमारे साथ शेयर कर रहा है, ठीक है, और पब्लिक उसका प्रोडक्ट को खरीदेगा। क्लियर? बट पार्टनरशिप फर्म तो अपना अकाउंट शो नहीं करता है, अपना कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं करता है पब्लिक को, इसलिए पार्टनरशिप फर्म पे जनरली कोई रिलाई नहीं करता है, ठीक है, मतलब जनरली कोई भरोसा नहीं करता है। तो यहाँ पे lack of public confidence exists करता है, ये one of the demerits है। Partnership firm are not required to publish their financial reports. Financial reports का मतलब हो गया accounts, जैसे मान लो कितना सेल हुआ, कितना एसेट है, कितना हमारे पास लाइबिलिटी है, ये सब शो करना, ये सब तो शो नहीं करना पड़ता है ना पार्टनरशिप फर्म को, तो ये इससे क्या होता है, वो लोग पब्लिक का कॉन्फिडेंस को रेज नहीं कर पाता है, एंड अकाउंट्स, दस दे लैक पब्लिक कॉन्फिडेंस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, और जुड़े रहो हमारे साथ सारा पीएचडी का सारा कंटेंट एंड अदर सब्जेक्ट का भी, ठीक है, अदर सब्जेक्ट का भी कंटेंट इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।